मैं कटक स्टेशन में उतर चुका हूँ। अभी ट्रेन जा रही है, भुवनेश्वर के लिए रवाना हो रही है ट्रेन। तो अभी हम चलेंगे उस तरफ पास है, हम निकलने के लिए रास्ता है। तो अंदर से देख लीजिए स्टेशन, उसके बाद हम बाहर से जाके कटक स्टेशन को दिखाएंगे कैसा है। उसके बाद हम दोस्त के साथ निकलेंगे सफ़र पे कटक। चलिए, अब जो मैंने बोला था ऊपर जाना सही है, सब हमेशा सेफ्टी है। तो इसमें हम निकलेंगे, सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर से हम लोग निकलेंगे। चलो चलते हैं। यार बहुत दिनों के बाद 2-2.5 घंटे अब खड़े होकर आया हूँ, इसलिए पेट दुख रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे सफ़र में। तो यहाँ से हम तो जाके नीचे जाएंगे। तो चलो चलते हैं, ऊपर से भी थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं कटक का। ये देखो कटक स्टेशन का नज़ारा। ये आ गए हम, ऊपर आ गए हैं, उसके बाद फिर से नीचे जाएंगे। चलो उसके बाद बाहर निकलेंगे। शायद चेकिंग हो रहा होगा गेट पे। टिकट तो हमने ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेन में जब भी सफ़र करते हैं तो टिकट ज़रूर ले ले। ये गलत बात है कि टिकट नहीं लेके हम छुपके से निकलते हैं, ये गलत बात है। तो ये रिक्वेस्ट है कि टिकट ज़रूर ले ले, जहाँ भी जाते हैं टिकट ज़रूर ले ले, सबके लिए अच्छा है। तो अभी हम नीचे उतर गए हैं, अब चलेंगे कौन सा साइड, शायद इस तरफ है पास, पता नहीं मुझे। बहुत दिनों के बाद स्टेशन आ रहा हूँ। अब ये सब वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से आप खरीद सकते हैं ट्रेन में ट्रैवल के लिए। ये लोग वेटिंग में बैठे हैं, वेटिंग ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं दूसरे ट्रेन के लिए। हम भी ट्राई करेंगे कि शाम को निकले। एक बहुत ही बड़ा बुक स्टोर है, पढ़ने के लिए बुक ले सकते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा अच्छी बुक मिलते हैं। हाँ दिख गया, बाहर निकलने के लिए रास्ता दिख गया है। अभी चलो शायद यहाँ से चेकिंग के लिए, देखते हैं शायद यहीं से निकलना पड़ेगा। हाँ ये पास है। रंजन पाणीग्राही सर, जो यहाँ पे DAP में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए ही खास मैं आया हूँ आज। तो अभी चलते हैं बाइक में और पहले गुपचुप खाएंगे, वो तो फेवरेट है मेरा। अरे यार फेवरेट है, 10 साल पहले खाया था यहाँ पे। तो अभी चलेंगे, हेलमेट पहन लीजिए, तो गाड़ी निकल लगे। शायद आज पहली बार सर के गाड़ी में मैं बैठूँगा और वो ड्राइव करेंगे। तो देखते हैं सर कैसे ड्राइव करते हैं टाउन एरिया में।
गांव में तो बैठा हूँ, बहुत बैठा हूँ। दोस्तों ये है रेवेन्शा कॉलेज का गेट, अंदर तो नहीं जा सकते, परमिशन शायद नहीं होगा। तो 8 साल पहले मैं यहाँ पे आया था एग्ज़ाम देने के लिए, अभी तो नहीं आया हूँ, तो अंदर नहीं जा सकते, अंदर में बहुत सारा काम है, थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हम आगे निकलेंगे। आगे एक मंदिर था, मैं आया था जब वहाँ पे, तो मंदिर में जाते हैं, माँ दशमी तारिणी जो है, तो यहाँ पे हम जा कर सकते हैं। ये मंदिर है और ये माँ तारिणी का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम निकलेंगे फ्रेंड के साथ। उसका भी टाइम हो गया है, ध्यान से सामग्री आप ले सकते हैं। तो ठीक रेवेन्शा ग्राउंड के पास में, उसके तरफ रेवेन्शा है, तो यहाँ पे आते हैं सब लोग लीजिए, उसके बाद हम निकलेंगे। ओके ठीक है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, तो ये भुवनेश्वर को कनेक्ट करती है ना, तो ये पटिया के लिए निकलता है, जो आपने जू है वहाँ उसके लिए निकलता है। तो ये ब्रिज देखो, पानी ही पानी है सारे, देखो वाह कितना सुंदर नज़ारा है, चारों ओर पानी ही पानी है। जो बारिश हो रहा था 2-3 दिन से, इसके वजह से देखिए पूरा पानी भर गया है इस रिवर में। आगे रास्ता है, अच्छा ठीक है आगे रास्ता है। तो ये पार्क थोड़ा वीडियो कर लेते हैं, तो क्या जाऊँ, तो ये छोटा सा पार्क है यहाँ से, और वहाँ पे क्या लिखा है, आई लव माई कटर, वाह। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जय हिंद, ये हमेशा ऊपर रहता है। तो यहाँ पे लिखा है आई लव माई कटर। ठीक है अभी आगे चलते हैं, आगे भी कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे। और एक बार दिख दीजिए, ये नेशनल फ्लैग है हमारा, तो हमेशा यहाँ पे उड़ता रहता है।